वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको लेकर आया हूं दिल्ली के नेहरू प्लेस में। ये नेहरू प्लेस मार्केट मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग्स जो हैं नेहरू प्लेस मार्केट के अंतर्गत आती हैं। और नेहरू प्लेस माना जाता है कि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो आइए आज देखते हैं और हम कोशिश करते हैं संपूर्ण जानकारी जुटाने की कि ये बड़ी मार्केट है या नहीं है, क्या क्या इसमें फ़ायदे हैं, इस मार्केट से परचेज करने में या नुकसान है, वो सारी जानकारियाँ मैं आपको दे रहा हूँ। और इंटरनली मार्केट का विषय में सारी जानकारियाँ आपको मैं देने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप नेहरू प्लेस मार्केट में एंट्री करेंगे, आपको एंट्री करते ही सबसे पहले दिखाई देगा मोदी टावर, जो कि मेरे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सामने मेरे कैमरे में। और ये फ्लाईओवर, जिस फ्लाईओवर से हम जा रहे हैं, ये फ्लाईओवर भी आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये नेहरू प्लेस की मार्केट में मैंने एंट्री कर ली है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेहरू प्लेस की जो मार्केट है, ये हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर बनाई गई है। और दोस्तों, इस मार्केट का निर्माण 1970 में हुआ था और आज की डेट में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक आइटम और कंप्यूटर पार्ट्स के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हालांकि यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर का ही सामान मिलता है, उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर तरीके की चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। लैपटॉप रिपेयरिंग भी मिल जाएगी, रिपेयरिंग सेक्शन भी यहाँ अवेलेबल है। उसके अलावा खाने का काफ़ी सामान आपको यहाँ मिल जाएगा, छोटे मोटे पटरियों के बाज़ार भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप यहाँ से कपड़े भी खरीद सकते हैं, खाने पीने की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, मोबाइल के डिस्प्ले पार्ट्स खरीद सकते हैं, मोबाइल्स खरीद सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों के शोरूम यहाँ पे अवेलेबल हैं नेहरू प्लेस मार्केट के अंदर। दोस्तों, मैंने अभी तक आपको दिखाई थी नेहरू प्लेस की मार्केट बीच में से, जहाँ से आपको पूरी मार्केट देखने को मिल रही थी। लेकिन मैं आपको ये नेहरू प्लेस मार्केट का बैक साइड पोर्शन दिखा रहा हूँ। बैक साइड पोर्शन में आपको SBI बैंक का ऑफिस भी दिख जाएगा, उसके अलावा यहीं बैक साइड में आपको BSES का भी ऑफिस दिख जाएगा। और इसी प्रकार से इस बैक साइड में भी काफ़ी सारी शॉपें भी हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ जो शॉप्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं। क्योंकि देखिए, फ्रंट में तो दुकानें महंगी मिलती ही मिलती हैं, लेकिन बैक साइड में जो शॉप हैं वो फ्रंट की शॉप से थोड़ी सी सस्ती होती हैं, लेकिन बैक साइड में वो लोग बैठते हैं जिन लोगों के हाथ में कुछ हुनर होता है। क्योंकि मेन मार्केट का व्यक्ति बैक साइड में जब ही आएगा, जब उसका काम फ्रंट मार्केट में नहीं हो पा रहा है। जैसे मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये जो साइन मोबाइल सेंटर है, ये दुकान है मोबाइल में डिस्प्ले डालती है, टैबलेट्स में डिस्प्ले। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखाया अपने YouTube चैनल में नेहरू प्लेस के बारे में जानकारियाँ जितनी भी मैं कलेक्ट कर चुका हूँ। और अगर आपको मेरी दी हुई जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेहरू प्लेस की मार्केट में आना ना भूलें। क्योंकि नेहरू प्लेस की मार्केट में आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर डेली रोज यूजेस करने वाली काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। और काफ़ी सारी चीज़ें आपके नॉर्मल जीवन में अगर आप अपने घर के नज़दीक से खरीदेंगे तो उससे ज़्यादा सस्ती और बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें आपको नेहरू प्लेस में मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा।